अपने देश का कानून बदल चुका है, यानी नया कानून लागू हो चुका है, तो साथ में एफआईआर दर्ज करवाने का तरीका भी बदल चुका है। अब अगर आपको किसी के खिलाफ में शिकायत दर्ज करवानी है तो आप घर बैठे उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। इतना ही नहीं, अब कुछ ही मामले ऐसे होंगे जो आप पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा सकते हैं, कुछ मामले ऐसे जो आपको कोर्ट में ही दर्ज करवाने पड़ेंगे, और कुछ मामले ऐसे जो आपको एसडीएम ऑफिस में ही दर्ज करवाने पड़ेंगे। तो कौन से मैटर है और कैसे एफआईआर बनेगी नए कानून के तहत में, तो सारी बातें जानते हैं। पहले आपको मैं पुलिस का बता देता हूं, अगर आपको पुलिस कंप्लेंट करनी है किसी के खिलाफ में तो वो कैसे होगी। देखिए, पुलिस कंप्लेंट सिर्फ उन्हीं मामलों में होगी जो संगीन मामले हैं, जैसे अगर आपके साथ में चोरी की घटना हुई है, डकैती की हुई है, लूट की हुई है, कोई दहेज का केस हुआ है, कोई डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, कोई रेप का मैटर है, कोई छेड़खानी का मैटर है, कोई मारपिटाई, गहरी मारपिटाई का मैटर है, तब ऐसे केस में अगर संगीन मैटर है तभी क्या बनेगी, पुलिस कंप्लेंट बनेगी। और इसके लिए जो रूल बनाया है, जो धारा बनाई है, वो बना दिया BNSS 173। लेकिन अच्छी बात ये जोड़ी है नए कानून के अंदर कि अब आपको अगर शिकायत दर्ज करवानी है तो आपको पुलिस स्टेशन नहीं जाना, आप फोन पे क्या कर सकते हैं, फोन पे अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। काफी सारे लोग डरते थे पुलिस स्टेशन में जाने से, अपनी शिकायत दर्ज करवाने से, कहीं हम पुलिस स्टेशन में जाएं हमको धमका के भेज दे, तेरी तो कंप्लेन अच्छी नहीं है, तू तो 15 दिन बाद आया, तेरे साथ तो घटना 6 महीने पहले की हुई, तब क्यों नहीं आया, फलाना दिगड़ा मुकड़ा। अब वो चीजें सब खत्म हो चुकी है। अगर आपको डर है या आपके पास में टाइम नहीं है, आप ड्यूटी वाले हो, आपको भी कहीं पर जाना है, आपके पास में टाइम नहीं है, तो आप फोन पे क्या कर सकते हो, फोन पे अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हो जी। तो फोन करके आपको सिर्फ ये बताना चाहिए मेरे साथ में ये घटना हुई है। मामला कैसा होना चाहिए, मामला संगीन होना चाहिए। लेकिन इस 173 के अंदर एक बात और लिख दी इस फोन वाली बात के लिए कि अगर आप फोन पे कंप्लेन दर्ज करवाते हो तो आपको 3 दिन के अंदर अंदर, 3 दिन के अंदर यानी बोले तो 72 घंटे के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एक लिखित कंप्लेन उसी पुलिस स्टेशन में आपको भिजवानी पड़ेगी। जैसे मैंने फोन पे बता दिया जी मेरे साथ है ना ऐसे ऐसे दहेज मांगा जा रहा है, मेरे साथ में ऐसे 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 छेड़खानी हुई है, मेरे साथ है नहीं ऐसी ऐसी बेईमानी हो चुकी है, चलो वो तो मैंने कंप्लेन दर्ज करवा दी, लेकिन 3 दिन के अंदर अंदर एक लिखित रिपोर्ट भी देके आनी पड़ेगी, फिर क्या बन जाएगी, वो एफआईआर बन जाएगी। इसके साथ में एक अच्छा बदलाव और भी कर दिया कि अब आप फोन पे तो मामला दर्ज करवा ही सकते हैं, साथ में आप कहीं से भी मामला दर्ज करवा सकते हैं। आप इंडिया में कहीं से भी हो, कहीं आपके साथ में घटना हुई हो, आप जहां पे रहते हो वहीं के नजदीकी पुलिस स्टेशन में आपका अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हो। लाइक जैसे मान के चलो आप दिल्ली घूमने आए और दिल्ली में आपके साथ में कोई ऐसी घटना घट गई, कोई छेड़खानी घटना घट गई, अब आपको लगा कि यार कंप्लेन दर्ज करवाऊंगा दिल्ली में, मैं रहने वाला मुंबई का हूं तो आने जाने के चक्कर तो मेरे ज्यादा कटेंगे, इससे ज्यादा तो सजा मेरे को मिलेगी, तो आप मुंबई में जहां रहते हो वहीं के लोकल जो आपका पुलिस स्टेशन है वहां पे जाके आप क्या करवा सकते हो, एफआईआर दर्ज करवा सकते हो। मामला दिल्ली का है, घटना दिल्ली में हुई है, एफआईआर आप मुंबई में करवा सकते हो। तो नई धारा के अंदर ये चीज जोड़ी गई 173 के अंदर और उसको नाम दिया जीरो एफआईआर, इसको जीरो एफआईआर बोलते हैं। जीरो एफआईआर का मतलब ये होता है कि आप जहां से भी आप अपनी शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं, एफआईआर बनवाना चाहते हैं संगीन मामले में, वहां से आप बनवा सकते हैं। वो पुलिस स्टेशन वाले क्या करेंगे, जिस एरिया की वो घटना है ना वो ऑटोमेटिक उनको फिक्स कर देंगे, वो पुलिस वाले आपकी इंक्वायरी वहां से चलेगी, वो ऑटोमेटिक उस थाने में फिक्स कर देंगे। यानी कि अब आपको थाना ढूंढने की जरूरत नहीं है कि जहां पे मेरे साथ में घटना घटी है वो किस थाने के ज्यूरिडिक्शन में आता है। काफी सारे लोग इस चीज से परेशान रहते थे, कोई पुलिस स्टेशन में गया अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए, पुलिस वाले ने भगा दिया हमारे एरिया का मैटर नहीं, भाग यहां से। फिर किसी चौकी में गए, ओए हमारे एरिया का मैटर नहीं है, भाग यहाँ से। तो वो एरिया वाला जो प्रॉब्लम था ना, जो भगाते थे, वो चीज खत्म हो जाएगी। अब आप जीरो एफआईआर कहीं से भी दर्ज करवा सकते हैं जी। इसी के साथ में अगर आप पुलिस स्टेशन में जाके मामला दर्ज करवाना चाहते हैं तो आप मौखिक रूप से भी दर्ज करवा सकते हैं, यानी कि आप अनपढ़ है, आपको लिखना नहीं आता है, जो भी चीजें हैं, तो आप वहां पे जाके पुलिस स्टेशन में आप जाके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। भाई मैं बोलता रहूंगा, आप जो जो चीजें वो लिखते रहो, या फिर अगर आप खुद लिख के लेके जाना चाहते हैं तो वो चीज भी आप लेके जा सकते हो। लेकिन इतना होने के बाद भी अगर कोई पुलिस वाला एफआईआर दर्ज ना करे तो उसके लिए भी एक धारा बना दीजिए, उसके लिए भी धारा बना दी और 1 साल की सजा बता दी इसके अंदर कि अगर कोई इतना होने के बाद, यानी कि संगीन मैटर है, आप फोन पे जानकारी दे रहे हो, लिख के लेके जा रहे हो और कोई पुलिस वाला एफआईआर दर्ज ना करे तो कार्रवाई कहां होगी, तब बीएनएस के अंदर एक सेक्शन बना दिया 198, 1 साल तक की सजा प्रावधान इसके अंदर जोड़ दिया। तो अगर वो एफआईआर नहीं बनाएगा तो इस धारा के तहत में उसी के ऊपर केस दर्ज हो जाएगा। तो अगर आप पुलिस कंप्लेन दर्ज करवाना चाहते हैं तो ऐसे आप करवा सकते हैं, घर बैठे आप करवा सकते हैं। लेकिन यहां पे जो मामला दर्ज होगा ना वो सिर्फ दर्ज होगा संगीन मैटर का, लेकिन अगर आपके साथ में कोई संगीन मैटर ना हुआ तो, यानी अगर कोई जैसे मान के चलो थप्पड़ चट्टू का मैटर है, किसी को थप्पड़ मारना संगीन मैटर नहीं है, ये नॉन कॉग्निजेबल मैटर होता है। अगर मामला संगीन नहीं है ना तब आपको कहां जाना पड़ेगा, तब आपको जाना पड़ेगा जी कोर्ट के अंदर, कोर्ट के अंदर। वो पुलिस स्टेशन वाले दर्ज करेंगे ही नहीं, ये चीज ध्यान रखना। अगर आपका मामला नॉन कॉग्निजेबल है तो पुलिस स्टेशन में जाना बेकार है, आप डायरेक्ट आपको जाना पड़ेगा कोर्ट के अंदर। और कोर्ट के अंदर जो सेक्शन बना दिया BNSS 223 के तहत आप कोर्ट में जा सकते हो, जो भी आपकी नजदीकी कोर्ट है, फिर जहां पे घटना घटी है उस एरिया की कोर्ट में आप जाइए, वहां पे जाके आपको नॉन कॉग्निजेबल मैटर की आपको क्या करवानी पड़ेगी, शिकायत दर्ज करवानी पड़ेगी। यहां लिख के भी लेके जा सकते हो और मौखिक रूप से भी आप क्या करवा सकते हो, शिकायत दर्ज करवा सकते हो। लेकिन यहां शिकायत दर्ज करवाने का आपको एक बेनिफिट और मिलता है, जो भी आप शिकायत दर्ज करवाएंगे वो आपको 180 दिन से
पहले पहले उसका क्या हो जाएगा, निपटारा हो जाएगा। यानी कि अगर आप 223 के तहत में कोई भी मैटर लेके जाओगे तो इसके अंदर एक धारा और बना दी 232। ये कहता है कि जैसे ही कोर्ट के पास में मैटर आया तो 120 दिन से लेके 180 दिन तक उस केस का निपटारा हो जाएगा। यानी कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख बंद हो चुकी है। तो अब अगर आपको थोड़ा जल्दी प्रोसेस चाहिए तो आप डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हो। काफी सारे लोग ये पूछते हैं सर कोर्ट में जाएंगे तो एडवोकेट करना पड़ेगा। नहीं, जरूरी नहीं है। अगर आपको कानून की जानकारी है और आपको लगता है कि मैं सच्चा इंसान हूं और मैं मेरा खुद केस लड़ सकता हूं तो आपको किसी एडवोकेट की जरूरत नहीं। आप अपने एप्लीकेशन लिखिए 223 के तहत में काउंटर फाइल पे जाके उसको फाइल काउंटर कर दीजिए और वहां पे जाके जैसे ही आपका नंबर आएगा, नंबर आते सामने वाली पार्टी को सम्मन चला जाएगा, दोनों पार्टियों को बुला लिया जाएगा, आप अपना केस खुद लड़ सकते हो। और मैंने वीडियो भी डाल रखा है, अगर किसी इंसान को अपना केस खुद लड़ना हो तो आपको चैनल पे वीडियो मिल जाएगा कि कोई इंसान अपना केस कैसे लड़ सकता है, तो सारी जानकारी वहां पे मिल जाएगी। आपका एडवोकेट होना जरूरी नहीं, बस नॉलेज होना जरूरी है। इसके अलावा अब कुछ शिकायत ऐसे हैं जो एसडीएम ऑफिस में जाएंगे जी, एसडीएम ऑफिस में जाएंगे। अब एसडीएम ऑफिस में कौन सी शिकायत जाएगी मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके अपने पड़ोसी के साथ नहीं बनती है, अगर आपका पड़ोसी आपको परेशान कर रहा है, यानी कि न्यूसेंस के जितने भी मैटर होते हैं, न्यूसेंस कहाँ पे होता है, न्यूसेंस जैसे जितने भी पब्लिक प्लेस है अगर वहाँ पे न्यूसेंस हो रहा है, जैसे आपके सामने घर के सामने आपकी गली है, गली में आपके पड़ोसी ने गाड़ी खड़ी कर दी तो आपके लिए तो न्यूसेंस है। आपके पड़ोसी ने कोई खूंखार कुत्ता रख रखा है आपके लिए तो न्यूसेंस है। या आपका पड़ोसी फुल वॉल्यूम में अपना डीजे बजा रहा है, टीवी चला रहा है, ठीक है, वो भी एक न्यूसेंस है। तो अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लग रही है कि आपके पड़ोसी की वजह से आप परेशान हो रहे हो या फिर जितने भी न्यूसेंस के मैटर हैं वो सब के सब एसडीएम ऑफिस में दर्ज होने वाले हैं, आपको लिख के लेके जाना पड़ेगा। और इसके लिए जो कानून के अंदर धारा बना दी वो बना दी BNSS 152 के तहत में आप ये मामला दर्ज करवा सकते हो। अब इसमें वो क्या उखाड़ लेगा भाई, एसडीएम क्या कर लेगा, तो एसडीएम क्या कर सकता है, पहली बार तो उसके ऊपर 1000 रुपये तक का फाइन लगा सकता है और वो ऐसा दोबारा नहीं करेगा, इसलिए 6 महीने तक की क्या ले सकता है, उससे जमानत ले सकता है। लेकिन अगर वो एक बार फाइन लगने के बाद दोबारा फिर कर देगा तो तब ऐसे केस में एक सेक्शन और बना दिया BNSS 293 के तहत में उसको 6 महीने तक की सजा उसको भोगनी पड़ सकती है, ठीक है। तो ये अगर आपको अब किसी खिलाफ में एफआईआर दर्ज करवानी है, शिकायत दर्ज करवानी है, तो नए कानून के तहत में आपको 173 की एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी जी। और 173 की एप्लीकेशन बना के कहाँ गया, आ जा भाई ऐसे, ठीक है। तो ऐसे आप क्या करवा सकते हो, दर्ज करवा सकते हो। लेकिन अगर पुलिस वाले कार्रवाई ना करें तो, चार्जशीट ना बनाए तो अब उसका क्या इलाज है जी? तो उसका इलाज ये है कि अब कानून के अंदर चीज बता दी है कि अब पुलिस वालों को क्या करना पड़ेगा। खैर रेप केस के अंदर, रेप केस के अंदर पुलिस वालों को 60 दिन के अंदर अंदर क्या बनानी पड़ेगी, चार्जशीट बनानी पड़ेगी। और अदर जो केस है उस केस में कोशिश 90 दिन की रहेगी, लेकिन कोई टाइम फिक्स नहीं बताया कि 90 दिन के अंदर अंदर इनको चार्जशीट बना के देनी पड़ेगी कोर्ट को। लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं हो तो ये टाइम ये लोग बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ इसके साथ में कर दी गई है पुलिस वालों के लिए, पुलिस लिख रखा हुआ, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं अच्छा लगा इसको डिसलाइक कर लीजिए, ठीक है। एक चीज़ और भी बता देता हूं, अगर आपको एफआईआर लिखना सीखना है, यानी कंप्लेन कैसे लिखी जाती है पुलिस स्टेशन के लिए, तो आप कमेंट कर दें भाई, मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना के दे दूंगा कि अगर आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करना चाहते हैं रिटर्न में तो कैसे वो चीज़ आपको लिखनी चाहिए, ठीक है। तो जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतना जल्दी मैं आपको बना के दे दूंगा। तो अब अगर आपको कंप्लेन दर्ज करवानी है तो ऐसे इस धारा के तहत में कंप्लेन दर्ज होगी, कोर्ट में इस धारा के तहत में दर्ज होगी और एसडीएम ऑफिस में उस धारा के तहत में दर्ज होगी। और जो एसडीएम ऑफिस के तहत में जो आप दर्ज करवाओगे उसका निपटारा कितने दिन में होगा, तो उसका निपटारा जो है वो 90 दिन से लेके 120 दिन के अंदर निपटारा उसका हो जाएगा जी। यानी कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई होने वाली है, तारीख पे तारीख खत्म होने वाली है। तो अब ये कानून आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जरूर बताएं आपका क्या सुझाव है, ये चीज़ें सही हुई है नहीं हुई है। तो भाई ठीक है माई डियर, फिर मिलते हैं किसी कंटेंट के साथ में, उस कंटेंट के साथ में जो आप चाहो और आप क्या चाहो, कंटेंट ये कमेंट बॉक्स खुला है। तो थैंक यू माय डियर। और ऐसी जानकारी आगे चाहिए तो इसको लाइक जरूर कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, नहीं अच्छा लगा इसको डिसलाइक कर लें। कोई भी कानूनी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे लिंक मिल जाएंगे। थैंक यू।